इस वीडियो में हम किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए जरूरी शर्तों को जानेंगे। किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए रिएक्ट करने वाले पार्टिकल्स का एक दूसरे से टकराना जरूरी है, लेकिन पार्टिकल्स के सिर्फ टकराने भर से ही उनके बीच रिएक्शन नहीं होता। मान लीजिए कि दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स A2 और B2 के बीच कोई रिएक्शन हो रही है। A2 और B2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके दो AB मॉलिक्यूल्स देंगे। ये रिएक्शन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कई ओरिएंटेशन से टकरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो ओरिएंटेशन लेंगे। पहले ओरिएंटेशन में A2 और B2 एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए सही ओरिएंटेशन में है। दूसरे ओरिएंटेशन में A2 और B2 के ठीक पोजीशन में न होने के कारण उनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होती। मान लीजिए एक येलो बॉल किसी दूसरी रेड बॉल से रिएक्ट करके येलो रेड कलर की एक बॉल देता है। अगर येलो बॉल को आप धीरे धीरे रेड बॉल की तरफ पुश करें तो वो एक दूसरे से टकरा जाएंगी। अगर आप येलो बॉल को उठा लें तो दोनों का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होगा और कोई रिएक्शन शुरू नहीं होगी। अगर आप येलो बॉल को रेड बॉल की तरफ फेंकेंगे तो उनमें कोलिजन यानी टक्कर होगी, लेकिन इस बार येलो बॉल रेड बॉल से स्टक यानी चिपक जाएगी, जिससे उनके बीच रिएक्शन शुरू हो जाएगी। जिस कोलिजन में रिएक्शन स्टार्ट होती है उसे हम फ्रूटफुल कोलिजन कहते हैं। रिएक्टिंग पार्टिकल्स एक दूसरे से जब सफिशियंट एनर्जी से टकराते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होती है, और पार्टिकल्स के बीच होने वाले कोलिजन को फ्रूटफुल कोलिजन कहते हैं। आइए जल्दी से एक बार समरी देखते हैं। किसी रिएक्शन के शुरू के पार्टिकल्स का एक दूसरे से सफिशियंट एनर्जी से टकराने के साथ साथ उनका सही ओरिएंटेशन में होना जरूरी है।